अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। मैं हूँ जी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, चाहे आप इंडोर हैं आउटडोर हैं, आपको एक अच्छा सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो चेहरे पे फ्रेकल्स होंगे, सनबर्न होगा, एजिंग बहुत ज़्यादा आएगी, रैश एलर्जीज हो जाएंगी स्किन पे। तो मैं आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त सस्ता सा DIY बता रही हूँ, जो फलों के बाद शाम से बनेगा और ये आपको किचन में हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि बहुत हीट होती है, स्किन हमारे हाथ बहुत ज़्यादा रेड हो रहे होते हैं, एलर्जी हो रही होती है। ये उसके लिए परफेक्ट है और बिना केमिकल के होगा, बहुत आपकी स्किन फ्रेंडली होगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आजकल बहुत से ऐसे सनस्क्रीन और सनब्लॉक हैं जिनमें मैंगो का यूज़ हो रहा है। ये DIY मैंगो सनस्क्रीन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा हीट से, साथ आपकी जो स्किन टैनिंग हो रही होती है, एजिंग आ रही होती है, स्किन पे बहुत सनबर्न हो जाता है बाहर जाने की वजह से, उसको भी प्रिवेंट करेगा, ग्लो बहुत अच्छा आएगा आपकी स्किन पे। तो न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सनस्क्रीन बनाने के लिए आपको किसी भी ब्रांड का अच्छा सा फेस पाउडर चाहिए, जिसमें दो इंग्रेडिएंट्स मस्ट होने चाहिए और बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसमें जिंक ऑक्साइड हो और टाइटेनियम हो। अगर आपको नहीं मिलता तो 2-3 teaspoon आप ले सकते हैं जिंक पाउडर के, और अगर फ्रेग्रेंस फ्री आपको फेस पाउडर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर फ्रेग्रेंस है तो बॉडी के लिए आपके सनस्क्रीन बन जाएगा, जो आप हाथों पे बॉडी पे लगा सकते हैं। और ये पाउडर आपने ले लेना है और इसके बाद हम इसमें मैंगो डालेंगे। मैंगो की प्यूरी अच्छे से आपने उसको छान लेना है ताकि उसमें लम्स ना हो, बिल्कुल क्लियर आपको एक बहुत अच्छा सा पल्प मिल जाएगा उसका, वो 2 teaspoon आप इसमें डाल लें। मैंगो अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इस पर SPF 5 होता है, लेकिन Vitamin A, C एंटी ऑक्सीडेंट है, तो एंटी एजिंग है, सन डैमेज दूर करेगा, नेचुरल ग्लो आएगा, एक्नी डार्क स्पॉट्स को दूर करते हुए आपकी ब्राइट एंड अप टोन हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें बहुत ही सस्ता फ्री आपको घर पे अगर एलोवेरा लगा हुआ है वो डाल लें, अगर आप चाहें तो मार्केट वाला डाल लें। इसमें एलोवेरा जेल जाएगी जो कि 20% अल्ट्रा वायलेट रेस से आपकी सन टैनिंग हो, सनबर्न हो, स्कार्स हो गए हो, उसको रिड्यूस करता है, उसे दूर करता है। बाहर से आने के बाद बहुत ज़्यादा स्किन इरिटेट हुई भी होती है, उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आपको घर पर बहुत सस्ता सा सनस्क्रीन मिल जाएगा, तो इसके मैं 2 teaspoon या 1 tablespoon आप ले लें और ये बहुत ही सूत काम करेगा आपकी स्किन को। और लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा मेरा बहुत ही फेवरेट ऑलिव ऑयल, बहुत नेचुरल ऑयल है, समर्स में बेस्ट है, लाइट वेट होता है और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन को बहुत काम करेगा, साथ आपकी स्किन पे जितनी भी सन टैनिंग है, सन बर्न हो रहा है, उसको रिड्यूस करता है। इस पे SPF 8 होता है ऑलिव ऑयल में, तो आप ये सर्च भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, आपका घर पे बहुत सस्ता सा बन गया है, क्योंकि घर पे सनस्क्रीन भी अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पानी में ये इतना स्टे नहीं करेगा, इसलिए पानी से अवॉइड करें। अगर पानी में जा रहे हैं तो दोबारा से अप्लाई कर लें, लेकिन ये आपका बहुत अच्छा सा डेली यूज़ का आप घर में यूज़ कर सकते हैं। सस्ता भी है, इफेक्टिव भी है, आपको हीट से भी प्रोटेक्ट करेगा और चेहरे पे ग्लो भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आप फ्रेग्रेंस वाला यूज़ कर रहे हैं, स्किन के लिए अच्छा तो नहीं होता, तो आप बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी आपको, बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस रहेगी। अगर आपके विदाउट फ्रेग्रेंस है तो चेहरे को प्रोटेक्ट करेगा हीट से, सन डैमेज से, जो घर में बहुत ज़्यादा आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है किचन में जाने से, उसको प्रोटेक्ट करेगा। टोन अप आप देखें, दोनों हाथ में वाजिया फर्क है, तो स्किन ब्राइटन अप टोन अप भी होगी। याद रहे कि ये सनब्लॉक अराउंड 40 SPF का आप सिर्फ इंडोर यूज करेंगे। तो आई होप ये सस्ता सा केमिकल फ्री आपको सनस्क्रीन घर पे बैठे बहुत ही आसानी से सीख लिया होगा। ट्राई कीजिए गाइस, मुझे फीडबैक जरूर देना है आपने, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, आप भी यूज कर सकते हैं। ऐसी DIY रेमेडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने और वीडियो को कर लेना है लाइक शेयर। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।